बांसवाड़ा के गढ़ी में ही है माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। कहते हैं कि मंदिर के आसपास पहले कभी तीन दुर्ग थे, शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। इसी वजह से देवी का नाम त्रिपुरा सुंदरी पड़ा। यह जो मंदिर है वो कनिष्क काल से है, कनिष्क काल से है। इसके बाद इसके समय समय पे उसके जीर्णोद्धार हुए। अभी अंतिम जीर्णोद्धार पंचाल समाज 14 चक्रा ट्रस्ट द्वारा किया गया है। माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर लेने के बाद आइए अब आपको बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा का रियलिटी चेक दिखाते हैं। यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के जीत मल खांड। हम आपको गढ़ी में विकास की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। तो आइए आपको गढ़ी विधानसभा में विधायक जी के कामों का रियलिटी चेक भी दिखा लेते हैं। शुरुआत करते हैं शिक्षा व्यवस्था से। इस खंडहर को देख रहे हैं आप जी, ये स्कूल है जहाँ न सिर्फ 12 स्टाफ पोस्टेड हैं बल्कि पढ़ाई भी होती है। बच्चे भी आते हैं और उन बच्चों से उम्मीद भी की जाती है कि वो आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, लेकिन ऐसे माहौल में पढ़ेंगे तो कैसे बनेंगे। गढ़ी विधानसभा में किसानों का हाल और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी हमें भगवान भरोसे ही मिला। हमने देखा कि जानवरों के अस्पताल में ताला लगा है। इतना ही नहीं, किसान सेवा केंद्र भी ताला खुलने का इंतजार कर रहा था। हद तो तब हो गई जब अस्पताल में डॉक्टर्स की कुर्सियां भी हमें खाली मिली। ये 4 साल के विकास के दावों का नतीजा है, लेकिन आप नेताजी से सवाल नहीं पूछ सकते। अगर मन में सवाल आया भी तो जरा टोल प्लाजा वाला वीडियो याद कर लीजिएगा। गढ़ी विधानसभा में दूरदर्शिता की एक और वानगी देखिए। ये मकान देख रहे हैं आप, ये बने तो थे गरीबों के लिए, लेकिन अब शराबियों का अड्डा बनकर रह गए। जरा आप भी जानिए कि इसकी वजह क्या है। बांसवाड़ा के डूंगरपुर में हमारी टीम लोकतंत्र का सच जानने पहुंची। हम जानना चाहते थे कि यहां के बीजेपी विधायक देवेंद्र कटारा ने अपने कितने चुनावी वादे पूरे किए, अपने विधायक निधि से कितना विकास करवाया और जनता की समस्याओं को लेकर वो कितने गंभीर हैं। डूंगरपुर की जनता ने हमें बताया कि उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि विधायक जी ने चुनावों में जनता को पानी देने का वादा किया था। बहुत पुरानी परेशानी है, तो पानी की तो एक ट्यूबवेल चलती है, तो इनसे ही भरते हैं। और क्या, ये लाइट वगैरह की भी परेशानी थी, अब हुआ है कनेक्शन। तो तीन है, एक तो इधर मल्ला हमारे मल्ला में तीन है, बन पड़ी है लाइट, चार्जिंग लाइट तीन है बननी पड़ी। हाँ, नहीं कहाँ करते हैं, कोई नहीं आता, कौन करने के लिए आता है, कोई तैयार नहीं है, बुलाने के लिए जाते कोई नहीं आ रहा है। हमने डूंगरपुर के विधायक जी देवेंद्र कटारा से पूछा कि नेताजी जनता को पानी कब मिलेगा। जवाब में नेताजी ने सिर्फ योजनाएं गिनाई। बिखरी आबादी में यहां पर और कोई दूसरा रास्ता नहीं, हम पाइप स्कीम से घर डोर टू डोर हम पानी सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास मुख्यतः हैंडपम्प एक सहारा बनता है। तो हमने यहां पर जितने भी हमारे, जिस तरह से हमने अभी क्राइटेरिया बनाया है, 200 मीटर के अंदर अगर कोई आबादी रहती है और उसके पीने की व्यवस्था नहीं, हम वहां हैंडपम्प खोद रहे हैं। और कई ऐसी आबादी है जहां पर हमारे पास अगर मान लो क्राइटेरिया जो 50 से कम भी आबादी है लेकिन वो दूर रहती है, उसको भी हम हैंडपम्प से जोड़ रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि 200 मीटर के रेडियस में हैंडपंप न हो। हमने विधायक जी से पूछा कि उन्होंने 4 साल में अपनी जनता के लिए क्या किया। हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो केवल मेडिकल कॉलेज है, जो मात्र कांग्रेस शासन की घोषणा थी, हमने इसको अमली जामा पहनाते हुए हमने मेडिकल कॉलेज का स्वीकृति कराना, कंस्ट्रक्शन कराना, और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा वही आयामी अगर मान लो कोई मांग था तो यही मेडिकल कॉलेज था। हमने मेडिकल कॉलेज को हमने स्वीकृत करा करके अभी हमारी भर्तियां भी हो गई, प्रोफेसर भी आ गए, डॉक्टर्स आ गए, सारा स्टाफ हमने भर लिया है और अभी इस सत्र से हम लोग हमारे स्टडी भी शुरू हो जाएगा। सुना आपने, विधायक जी ने अपने कितने काम गिनवाए।
अब जरा इन कामों की हकीकत विपक्ष की जुबानी भी सुन लीजिए। सरकार ने जो भी वादे किए थे, एक भी वादों पे खरी नहीं उतरी सरकार। आज तक जो भी किया वो कांग्रेस सरकार ने ही किया है। डूंगरपुर जिले के अंदर या डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस की ही देन है। डूंगरपुर में कई लोगों ने हमें बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने हमें ये भी बताया कि परेशानी लाइट की भी है और सड़क की भी। इधर मेरे मकान में काम कचो भी नहीं है, काई में फूट गया। तीन है, एक तो इधर मल्ला है, हमारे मल्ला में तीन बन पड़ी है लाइट, चार्जिंग लाइट तीन बन पड़ी। हाँ, नहीं कहाँ करते हैं, कोई नहीं आता, कौन करने के लिए आता है। बहरहाल राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन जनता और क्षेत्र का विकास होना बेहद जरूरी है।